पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी, आज मेरे आपसे 3 क्वेश्चन है। ओके जी। पहला क्वेश्चन है पास्टर जी मेरा, मरकुस 6 चैप्टर में से, ठीक है, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया गया था पास्टर जी। जी। तो पास्टर जी, हेरोदेस राजा ने प्रॉमिस किया था हेरोदियास की बेटी को कि तुझे अपना आधा राज्य तक मैं तुझे दे दूंगा। जी। तो पास्टर जी, उस लड़की की मां ने क्यों मांगा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर? उनको तो आधा राज्य देने का प्रॉमिस किया था हेरोदेस ने। जी। तो पास्टर जी, वो तो ज्यादा अमीर बन सकते थे आधा राज्य के साथ में, लेकिन उन्होंने सिर ही क्यों मांगा इसका, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का? क्या कनेक्शन था पास्टर जी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का और हेरोदियास की बेटी की माँ का? ओके ओके, शायद आप नहीं जानते हैं कि हेरोदेस जिसने शादी किया था, जिस बेटी से उसकी जो बेटी हुई थी सलोमी, उसकी जो माँ है, मतलब हेरोदास की जो बेटी, हेरोदास राजा की जो पत्नी है ना, वो उसके भाई की पत्नी है। और ये व्यक्ति जिसका नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, ये कहता था आप जो भाभी से शादी किए, देखिए तभी ये शायद था जिसके चलते हेरोदेस ने कहा, सॉरी जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा आप गलत कर रहे हैं, और वो 24/7 आप बोल सकते हैं उसके पीछे पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि ये क्या लॉजिक है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट उसी के पीछे पड़ा था, ये गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो पत्नी है, हेरोदेस की जो पत्नी है, वो इतनी परेशान हो गई होगी कि ये जब ही भी आता है एक ही बात कहता है, तू गलत है, तू गलत है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो गुस्सा था उसके चलते उसने एक दिन मौका देखा या तय किया कि जब ही कुछ ऐसा होगा, और राजा जब कभी भी कोई प्रॉमिस करेगा तो मैं इसका सर ज़रूर मंगवाऊंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वजह रहेगी, आधा राज्य उसको मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजा ने कहा कि अगर तू जो मांगेगी आधा राज्य तक दे दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटी को नहीं पता था कि मुझे मांगना क्या है, तो वो उसकी माँ के पास में गए। और मैं समझता हूँ कि इसको आत्मिक दृष्टि से भी देखना होगा। लूसीफर नहीं चाहता था, शैतान यानी कि अंधकार का राज्य नहीं चाहता था कि नैतिक जो बातें होती है ना, राइचियस बातें जो होती है, उसका कोई प्रचारक पृथ्वी पर बचे, ऐसा कोई वार्निंग देने वाला पृथ्वी पर रहे। तो वो उसकी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे भी करके जॉन द बैप्टिस्ट को मुझे ख़त्म करना है। और आप तो जानते हैं ना, आत्मिक लड़ाई है, और जिसके चलते ये बातें वहाँ पे घटी। यस ब्रदर।